with a great sense of concern about the falling rupee. It is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. On the rupee, I think you should do a bit more looking into how other currencies are behaving versus the dollar. We are keeping, RBI and the ministry are keeping very close watch over it. I think I've had representation. Let me see what I can do on it. Thank you very much. दोस्तों, यूपीए सरकार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट को देश की अर्थव्यवस्था के लिए संकट बताने वाले निर्मला सीतारमण आज बतौर वित्त मंत्री रुपए के रिकॉर्ड 81 रुपए के स्तर की गिरावट पर यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करती दिखी कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की गिरावट अन्य देशों की करेंसी के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। वहीं उनका ये बयान अर्थशास्त्रों के जानकारों और बुद्धिजीवियों के गले से नहीं उतर रहा है। दरअसल आपको बता दें, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की तुलना ब्रिटेन और अमेरिका जैसे समृद्ध देशों से करने वाली भारतीय जनता पार्टी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भारतीय रुपए की गिरावट और कमजोरी छुपाने के लिए नेपाल, भूटान, पाकिस्तान जैसे छोटे देशों का सहारा लेती दिख रही हैं। दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी चाहती हैं कि देश के लोग रुपए की इस रिकॉर्ड गिरावट को ना देख सकें, बल्कि कमजोर, गरीब और गलीज देशों से खुद की तुलना करके खुश रहें। दोस्तों, आपको याद होगा, यही वित्त मंत्री महोदया यूपीए सरकार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए 62 तक पहुंचने पर इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए संकट और ग्रेट सेंस ऑफ कंसर्न बता रही थी। दोस्तों, वित्त मंत्री महोदया का यह बयान 2014 से पहले का है, तब इनके लिए गिरता रुपया देश की सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन आज बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी रुपए की तुलना गरीब देशों की करेंसी से कर रही हैं और आरबीआई के साथ दूरबीन लेकर बैठी हैं ताकि रुपए पर नजर बनाई जा सके। फिलहाल दोस्तों, वित्त मंत्री के इस दो रूप पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि देश और दुनिया की सारी खबर आप तक पहुंचाई जा सके।